यीशु में आप सबको सलाम। अभी जब एल्बर्ट भाई ने गवाही के लिए आप सबको कहा, खुदा का शुक्र है, हम गवाहियां हर वक्त अगर हम ईमान में चलते हैं तो हमारा हर गुजरा वक्त एक गवाही है। उसको हम स्टेज पर आकर सब लोगों के सामने एक्सप्रेस करने में शायद हमें थोड़ी सी कबाहत हो, लेकिन हर गुजरा हुआ वक्त हमारे लिए एक मसीह के लिए गवाही से कम नहीं होगा, क्योंकि वह हर गुजरे वक्त में यीशु के लहू के लिए, उसकी कुर्बानी के लिए और उसकी बरकत के लिए शुक्र गुजार रहता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि जिस तरह भाई ने कहा कि हमारा हम एक चलती फिरती गवाही है, अब इसी गवाही को हम खुदा के कलाम के वसीले से सुनते हैं। और खुदा ने जो ख्याल मुझे आज के लिए दिया है और जो बात हम आज सीखने को है, उस हवाले से कुछ खुदा के दिए हुए कलाम की बातें करते हैं। मैं अभी चूंकि हम साल के काफी इब्तदाई दिनों में हैं, तो इसलिए एक दफा फिर आप सबको और आपके खानदान अजीजों और आप सब चाहने मोहब्बत करने वालों को एक दफा फिर मैं नए साल की मुबारकबाद देता हूँ। एक ख्याल जो सब कलाम से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं वो ये है कि ये जो खुदा ने हमारी जिंदगी को वक्तों और मियादों में बांटा है, ये भी हमारे लिए बरकत है। वैसे तो हमारा दिन जो 31 दिसंबर 2022 था, वैसे ही हमारा दिन 1 जनवरी 2023 है। हम उसी जगह रहते हैं, पूरी लोगों में काम काज करते हैं, सारी हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो मोर और लेस सेम रहती है, लेकिन फिर भी हम जब इस ख्याल को और इस बरकत को अगर हम इस पे सोचे तो हमें अंदाजा होगा कि किस तरह से इन वक्तों मियादों को जिनको खुदा ने मुकर किया, दिनों रात को खुदा ने जुदा किया, इन दिनों रात की बेसिस के ऊपर हमने हफ्तों महीनों और सालों का जो एक रिकॉर्ड है वो मुरतब किया। बाइबल में बहुत शुरू से आप देखेंगे तो हर पीरियड को सालों महीनों एजेस में लोगों को, तो इसका मतलब है कि ये जो हम हर साल को ये चेंज होने पर ये जो खुशी मनाते हैं, ये एक तरह से खुदा की उस बरकत के हवाले से है जो उसने हमें दी। अब अगर इसको थोड़ा सा और सोचे तो आप ये अंदाजा करें कि अगर हमारे पास ये बाइफर्केशन ऑफ टाइम, ये डिफरेंस ऑफ टाइम ना हो तो हमारे पास क्या कमी होगी, और अगर हम इसको भरपूर तरीके से अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो इसका क्या हमें फायदा होगा। ये एक चीज है जो मैं आपको सोचने के लिए छोड़ रहा हूँ। इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से वक्त बढ़ेगा सर्दी की होगी, हम सब घर भी वापस जा रहे हैं, तो मैं कलाम को सिंपल रखते हुए आपको ख्याल पेश कर देता हूँ। आप खुदा से अपने लिए कलाम मांगे, और मेरा ईमान है कि अगर आप इस नए साल को एक बरकत के तौर पर लेंगे तो ये आपके लिए बाबरकत होगा। अगर आप इसको पिछले ही सालों की तरह ट्रीट करते रहेंगे तो फिर ये आपके लिए कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो अगर आपने अपनी बरकत को हासिल करना है तो खुदा का शुक्र करें कि उसने हमें नए साल में दाखिल किया, जिंदों की जमीन पर रखा, वो सारी नियमतें बरकतें जो उसने हमें पिछले सालों में दी उनको इस साल में कायम रखा, और इस बात पर ईमान रखे कि जो तकलीफें वो परेशानियां पिछले सालों में थी उन सब को खुदा इस साल में खत्म करेगा। मैंने बहुत सिंपल सी आपसे बात की, आप इस बरकत को इस तरह रखें कि खुदा इस साल मुझे नई नियमतें और बरकतें देगा और पिछले सालों के मेरे दुख और तकलीफ परेशानियों को मुझसे दूर करेगा। आए हम सब 2 मिनट के लिए दुआ करें ताकि हम कलाम की रूह में आ सके। ये इस दुआ करने का मकसद ये होता है कि हम इस दुआ को सुने ताकि हमारे सिर्फ हमारा जिस्म और हमारी रूह और हमारा तन बदन कलाम के लिए तैयार,
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं बड़े फजल के लिए, खास तौर पर खुदा हमेशा जब जमात की तादाद कम होती है मेरा दिल बहुत खुश होता है, क्योंकि वो चंद लोग हैं जो खुदा उन मुश्किल हालात में भी तुझसे पीछे नहीं हटते। सर्दी ने इनको तुझसे दूर नहीं किया, मसरूफियात ने उनको तुझसे दूर नहीं किया, और किसी तरह की भी दुख तकलीफ परेशानी ने उनसे तुझसे दूर नहीं किया, बल्कि उन्होंने तेरे करीब रखा। खुदा मेरा ईमान है कि तूने इनकी एफर्ट को और हमारे एफर्ट को जो हमने तेरे कदमों में पहुंचने के लिए किया, तूने उसको कबूल किया है और तू इस हवाले से हमें बरकत भी देगा। मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से। कलाम फिर मेरी ताकतों का शुक्र मैं करता हूँ कि वो आम फहम कलाम हमारे मुझे देता है आप लोगों के लिए, जिसको समझाने में मुझे भी आप लोगों के लिए आसानी होती है और मुझे खुद भी खुदा से समझने के लिए आसानी होती है। ये हवाला भी हम कई दफ़ा इसको पढ़ चुके हैं, आपने अगर बहुत और जगह न्यूयर की दुआ अटेंड की होगी तो हो सकता है कि ये हवाला वहाँ भी आपके लिए पढ़ा गया हो और इस कलाम को आपने सिखाया गया हो, लेकिन वो जो ख्याल जब खुदा ने इस वक्त के लिए दिया है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा जो खुदा हमें नया सिखाना चाह रहा है। अब ये आपके ऊपर है कि उस कलाम को आप किस तरह से लें। अच्छा, तो हवाला हम आज कलाम की तलावत करेंगे वो है लूका उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से लेकर उसकी 9वीं आयत तक, और ये बहुत ये तमसील है जो आप बहुत दफा सुन चुके हैं, लेकिन खुदा के कलाम को पढ़ना इतने जरूरी है ताकि उसके कलाम के पढ़े जाने की बरकत भी हम इस कलाम में हासिल कर सकें। 6वीं आयत से लिखा है कि ने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में अंजीर का दरख्त लगाया था, वो उसमें फल ढूंढने आया और ना पाया। इस पर उसने बागवान से कहा कि देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट आ, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, आए खुदावन, इस साल तू और भी इसे रहने दे ताकि मैं इसके गिर थाला खोदूं और खा डालूं, अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो तू से नहीं तो इसके बाद काट दे। खुदा के कलाम को पढ़े और समझाने को आगे यह हवाला हम कई दफा पहले पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। मैं ताकि अगर टाइम का इशू ना हो, मैं आपको पहले जो स्ट्रक्चर है जो बात मैं करना चाह रहा हूँ मैं आपको सिंपल इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम इसमें 4 बेसिक चीजों के ऊपर बात करेंगे। वो 4 चीजें क्या है, वो इसी में से है कि इसे काट डालो, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। पहली बात, इसे काट डाल कि जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में से कहा, अरे खुदावन, इस साल तू और किसे रहने दे, 1 more year, give me 1 more year, बट ऐसा नहीं है कि उस एक साल में मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसके गिर थाला खोदूंगा और खाट डालूंगा, थाला खोदूंगा और खाट डालूंगा। दूसरी और तीसरी चीज, आगे को फला तो खैर, नहीं तो उसके बाद काट, ये 4th बात है। और यही हम आज खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि हर साल जो हमें मिलता है, हर साल हमारा जो लगाने वाला है, हमारा जो मालिक है जिसके पाकिस्तान में हम लगे हुए हैं, जिसके पाकिस्तान में हम नशुनुमा पाते हैं, वो हर साल हमारे लिए हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम फल लाएं, और हर साल वो हमारे पास फल ढूंढने आता है। बट अनफॉर्चुनेटली हम जिस तमसील का जिक्र सुन रहे हैं उसका मालिक आके 3 साल से उसमें फल तलाश कर रहा है और उसमें फल नहीं है। आखिर को 4th साल वो आके ये कहता है कि मैं 3 साल से इसमें फल ढूंढने आ रहा हूँ, 3 साल से मैं फल ढूंढने आ रहा हूँ और अब इसकी इट्स नाउ टाइम टू कट इट ऑफ। क्यों, उसने वजह क्या बताई?
ठीक है दरख्त लगाए फल नहीं दे रहा, लेकिन वो दरख्त है उसमें बाकी सारी चीजें होंगी, दरख्त तना होगा, पत्ते होंगे, टहनियां होंगी, साया रहता होगा, लेकिन उसका मेन मकसद क्या है? अगर वो अंजीर का दरख्त है तो उसका मेन मकसद क्या है कि वो फल दे। इसको आप अपनी जिंदगी के साथ कंपेयर करें, ठीक है हम सारी चीजें और करते हैं, हम सारे दुनियावी काम करते हैं, हम सारे जिस्मानी काम करते हैं, हम सारे अपने दुनियावी रिश्ते निभाते हैं, हम सुबह के नौकरी पे जाते हैं, अपने सारे अपने जिस्म अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, अपने बड़ों का ख्याल रखते हैं, अपने बूढ़ों का ख्याल रखते हैं, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन इन सब के साथ हमारा मेन काम क्या है कि हम फल लें। अब क्वेश्चन इज कि वो फल क्या है और क्या वो फल हमारी जिंदगी में है, या हम इस दरख्त की तरह हमारा मालिक भी हमने हर साल आके फल ढूंढता है और नहीं पाता। हम फल के बारे में आखिर में सीखेंगे, लेकिन एक बड़ी खतरनाक बात है। वो खतरनाक बात क्या है? उसने कहा कि इसे क्यों काट डाल? पहली बात, क्योंकि ये जमीन को क्यों घेर रहा है। इसका मतलब है जो दरख्त फल नहीं देता, वो उसका फल ना देना सिर्फ उसके लिए नुकसानदेह नहीं, बल्कि वो जमीन को घेरे हुए है जो और मजीद मुफीद किसी और के लिए हो सकती है। इसकी मिसाल मैं आपको कैसे दूं कि अगर एक खादिम है और वो खुदा के लिए रुएं नहीं जीत रहा, तो वो उस जगह को जहां से वो खिदमत करता है उस जगह को वो रोके हुए, वहां से जो फल पैदा होना चाहिए वो फल पैदा नहीं हो रहा। अगर कोई बाप है और अपनी औलाद की सही परवरिश नहीं कर रहा, उसे उस राह पर नहीं डाल रहा जो उसको इस कलाम के मुताबिक डालना चाहिए, तो वो ना सिर्फ अपना नुकसान कर रहा है बल्कि वो उस बच्चे के लिए भी राह बनते हुए है जो शायद अगर सही परवरिश पाता तो इस दुनिया में वो भी फल ला पाता। तो आप अगर फल नहीं ला रहे या जो दरख्त फल नहीं रह रहा, वो ऐसा नहीं है कि वो कुछ नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि वो उस बड़ी स्कीम ऑफ थिंग्स में नेगेटिव बजाय आगे बढ़ने के वो जगह घेर के और लोगों की बरकत को भी रोक रहा है। तो इसलिए जो मालिक है वो परेशान है कि ये जगह तो घेरे हुए है, ये बागबान का एक वक्त भी लेता है, वो इस पर मेहनत भी करता है, लेकिन फिर भी ये फल नहीं दे रहा। तो इसलिए ये खतरनाक बात है, हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि क्या हम फल दे रहे हैं या नहीं। इस दफा तो मालिक ने बागबान की बात मान ली, हमें नए साल में शामिल कर दिया, लेकिन क्या ये इनडेफिनेट है? क्योंकि आखिर में उसने कहा कि इस साल को फले तो खैर वरना इसे काट डालना। तो जहां हम नए साल की खुशी मना रहे हैं, आज हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि क्या ये हमारा आखिरी साल तो नहीं? क्या मालिक इस दफा भी हमारे जिंदगी में फल ना पाकर क्या हमें इस दफा भी छोड़ देगा, या इस दफा भी माफ कर देगा, या इस दफा हम नुकसान उठाएंगे? ये चीज अपने साथ आप रखें, इस ख्याल को अपने जहन में रखें, फल लाना ऑप्शनल नहीं है। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किसी दरख्त का फल लाना उसकी मर्जी नहीं है बल्कि उसकी ड्यूटी है। ड्यूटी है हमारी, हमारी ड्यूटी मसीह होते हुए क्या है? हमारी ड्यूटी ये है कि हम उसकी खुशखबरी की गवाही दें। अब आप सोचे कि क्या एक मसीही होते हुए क्या हम उसकी खुशखबरी की गवाही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? ये तो मैंने आपको बात बता दी कि इस साल हमें फल इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि हो सकता है अगला साल हमारे लिए हमारा मालिक इतना मेहरबान ना हो। लेकिन इसमें हमें बागबान का रोल नजर आता है जो उस दरख्त के लिए शिफायत करता है। वो जो एक साल मालिक ने उसको दिया
वो बागबान के कहने पे दिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारा कोई मददगार नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमारी कोई शिफायत करने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम इस दुनिया में अकेले हैं, बल्कि एक है जिसने हमारे लिए जान दी, जिसके लहू से हमें निजात पाई, और उसने हमें ये कहा कि मैं इस दुनिया से जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक मददगार। तो ये उस बागवान के लिए है जो हमारी इस साल भी शिकायत करता है, लेकिन वो हमारी जो शिकायत करता है और जो सीखने की बात है वो ये है कि वो हमारी जो शिकायत कर रहा है उसके लिए हमसे क्या कह रहा है। उसने कहा कि मैं इसके दिन ताला खोलूंगा। इससे आप क्या सीखते हैं या आप क्या समझते हैं? मैं इसके गिर थाला खोलूंगा मतलब अभी जो इसके गिर्द रेत है, जो मट्टी है, जो इसको बढ़ने नहीं दे रही, मैं इसको इसके पास से हटा दूंगा। यानी वो अकीदे, वो तरीके और वो वसीले जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनकी वजह से हमें फल नहीं मिल रहा, जो हमारे अकीदे नहीं बल्कि हमारे मफरूजे हैं, उनको वो हमसे दूर करेगा। तो हमें क्या दरखास्त करने की जरूरत है कि ऐ खुदा, अगर मेरा ईमान में कोई ऐसी चीज है, मेरे अकीदे में कोई ऐसी चीज है जो मुझे फल लाने से रोके हुए है, तो उसको मुझसे दूर कर। हम ईमान तो रखते हैं क्योंकि हमें ये सब ईमान का, जो हम रसूलों का अकीदा पढ़ते हैं उसमें अपने ईमान का इजहार तो करते हैं, बट उस ईमान को हम उस पर हम यकीन की तरह रखते हैं। अगर मैं अल्फाज की इस्तेमाल नहीं देखूं तो वो ईमान तो होता है, लेकिन वो ईमान यकीन में कब कन्वर्ट होता है? कब हम ईमान से खड़े होते कहते हैं कि मैंने खुदा से दुआ की है, मेरा ये काम सुबह हो जाएगा? हम दुआ तो करते हैं लेकिन ईमान नहीं रखते। ऐसे हम ऐसे कितने सारे, हमारे बहुत सारे देखे, हम चर्च जाना तो प्रेफर करते हैं, यहाँ हम आ जाते हैं, खुदा का कलाम भी सुन लेते हैं, जब यहाँ दुआ होती है हम उस दुआ में शामिल भी हो जाते हैं, लेकिन हम कितनी दफा रात के पैरों में उठकर घुटनों के बल होकर अपने लिए खुद दुआ करते हैं। हम परेशान तो रहते हैं, हर वक्त सोचते तो रहते हैं कि ये काम मैं कैसे करूं, ये मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी, ये मेरे पैसे की तकलीफ कैसे दूर होगी, ये मेरी इस भाई से नाचाकी कैसे दूर होगी। परेशान तो रहते हैं लेकिन दुआ में नहीं रहते, दुआ भी करते हैं तो उसमें ईमान नहीं होता। तो मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूं वो ये है कि आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो थाला हमारे गिर्द खोदा जाएगा उसमें दुआ करें कि खुदा हमारे उन अकीदों को, उन तरीकों को और उन वसीलों को जिनको हम अभी अडॉप्ट किए हुए हैं, जो हमें फल लाने नहीं दे रहे, उनको हम अपने आप से किस तरह दूर करेंगे, और अपने उस मददगार से ये कैसे दरखास्त करेंगे कि ये खाद या ये मरेज या ये मट्टी जो मेरे जड़ों पे पड़ी है, जो इनको फल लाने नहीं देती, उनको मुझसे दूर करें। तीसरी बात और जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं इसमें खाद डालूंगा, दैट मींस कि वो पुरानी मिट्टी निकाल कर नई खाद उसमें डालें। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आप फल नहीं ला रहे, आपको ऐसा लग रहा है कि आप फल नहीं ला रहे, तो उसका एक प्रोसेस है, बहुत आसान काम है। आप अपने मददगार से दुआ करें कि मेरे घर थाला खोल, मेरी उन चीजों को जो मुझे फल लाने नहीं देनी, हो सकता है वो मेरी कोई ऐसी दोस्ती हो सकता है वो मेरी ऐसी कोई किसी के साथ अकीदत हो सकता है मेरी जिंदगी में ऐसा कोई गुनाह हो, तो मददगार से दरखास्त करें कि इस गुनाह को मुझसे दूर कर और मुझमें खाद डालो, यानी मुझमें वो नेमतें डालो। अगर आप रूह की नियमतों का जिक्र करें, अगर आप में से कितने रूह की नियमतें जानते हैं, कौन कौन सी रूह की नियमत है? हम इसके लिए हवाला पढ़ते हैं, यह मैं आपको फिलहाल सिर्फ बता देता हूं, ये करंथियों 12 बाब और उसकी एक हवाला साथ पढ़ लेते हैं ताकि ये भी आपको आसानी हो। ये मैं किसी आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि इससे पहले कि आप फल
आप जब इन नियमतों का जिक्र सुनेंगे तो आपको यह अंदाजा होगा कि ये नियमतें आपकी जिंदगी में होगी तो ही आप फल ला सकेंगे। और ये इसलिए मैं इतने स्ट्रेस कर रहा हूं, जो खाद डालने की बात बागवान कर रहा है वो क्या कर रहा है कि ये खाद डलेगी, रूह की ये नियमतें मैं हासिल करूंगा तो मैं फल ला सकूंगा। तो वो जो रूह की नियमतें हैं आपको आप हवाला नोट भी कर लेंगे क्योंकि ये जरूरी सी है। ये ग्रंथियों पहला ग्रंथियों उसका 12वां भाग उसकी 4 आयत से नियमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें और नियमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावन एक ही है, तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि एक रूह के वसीले से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मर्जी से मुआफिक इल्मियत का कलाम, किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को इसी रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजों की कुदरत, किसी को नबूवत की, किसी को रूहों का इम्तियाज, किसी को तरह तरह की जुबानें। जो मुझे इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगी वो दो चीजें ये थी, एक है किसी को इसी रूह से ईमान और किसी को इसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक। सबसे पहले जो आप सीखने वाली बात है कि जो ईमान है वो भी रूह की एक नेमत है। तो हम अक्सर जो परेशान रहते हैं कि हमारे अंदर ईमान नहीं है, हम उसको रूह की एक नेमत के तौर पर मांगे, हम अपने तौर पर ईमान नहीं रख सकते। कभी इस पे डिटेल में अगर मैंने पहले बात नहीं की तो खुदा से कलाम सीख के आपको जरूर आज तक पहुंचाऊंगा कि ईमान भी एक नेमत है और इस नेमत को मांगना और हासिल करना पड़ता है। हम ये समझते हैं कि हमारे अंदर ईमान कहाँ से आएगा, जब रूह हमारे अंदर होगा वो इस नेमत को हमें देगा तभी हम ईमान रख सकेंगे। हवाला मैंने आपको बता दिया, आप अपने लिए वो नेमत मांगे क्योंकि जब वो नेमत आएगी तो फिर आपको क्या मिलेंगे, रूह के फल मिलेंगे। और रूह के फलों के लिए जो हवाला है वो गलतियों 5 बाब उसकी 22-27 आयत है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। रूह के फलों में है खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, इल्म और परहेजगारी। तो अगर आपका मालिक इस साल आपके अंदर फल ढूंढने आए तो उसको फल कब मिलेगा, जब आप इस सारे प्रोसेस से गुजर चुके होंगे। तो इस वक्त जो हमने सारी बातें की उसमें सीखने वाली 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि आप इस बात को समझें कि ये साल जो आपकी जिंदगी में दिया गया है ये जस्ट अ फ्लिक ऑफ अ कैलेंडर नहीं है। इस साल की आपकी जिंदगी में क्या हैसियत है इसको कौन डिटरमिन करेगा, या इस साल को इंपॉर्टेंट आपकी जिंदगी में कौन बनाएगा, आप खुद बनाएंगे। जब आप इस बात को समझेंगे कि ये साल मैंने खुदा से मांगा है कि मैं इसमें बरकतें हासिल करूंगा और अपनी पुरानी मुसीबतों, दुखों, परेशानियों, गुनाहों से छुटकारा हासिल करूंगा, ये नियत या ये ख्याल या ये सोच या ये दुआ पहले आपके दिल में आनी चाहिए। जब भी आपके दिल में आएगी तो फिर मैंने आपको प्रोसेस क्या बताया कि वो सारी चीजें जो आपको आसानी से बुझा लेती हैं उनको आपने पीछे छोड़कर मददगार से ये दरखास्त करनी है कि मुझे वो नेमतें अता कर जिससे मैं एक फलदार दरख्त बनूं। क्यों? क्योंकि खतरनाक बात यह है कि हो सकता है कि इस साल मालिक उतना मेहरबान ना हो, इस साल जब बागबान ये दोबारा बात करे तो शायद वो कहे कि नहीं पिछले साल तुमने कहा था इस जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं है, ना ये सर्द है ना ये गर्म है, मैं इसे अपने मुंह से निकाल के खड़े हूं। आप ये सोचे कि अगर मालिक हमारे बारे में ये सोच अडॉप्ट करे और वो हमें अपने मुंह से निकाल भेजे तो हमारे लिए कितनी तकलीफ की बात होगी।
लेकिन हम हमेशा इस बात का शुक्र करते हैं कि जिसने अपने एक लौते बेटे को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, जो हमसे मोहब्बत रखता है, लेकिन हमारे लिए भी जरूरी है कि हम उसकी मोहब्बत का नाजायज फायदा ना उठाएं। मैं साल के शुरू में आपके सामने ये चैलेंज रख रहा हूं, जनवरी 2023 है, ये खुदा का कलाम आपको पहुंचाया गया है। दिसंबर 2023 में आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जब खुदा ने इस साल के शुरू में मुझसे कलाम किया था कि मैं फल पैदा करूं अपनी जिंदगी में, फल आपके लिए क्या होगा वो आपको डिटरमिन करना है, वो आपने खुदा से मांगना है कि मैं रुका कौन सा फल मेरी जिंदगी में होगा। हो सकता है आप जिन हालात में हो उनमें इल्म की बहुत जरूरत हो, आप जिन हालात में हो उनमें परहेजगारी की बहुत जरूरत हो, इस वक्त आप जिस परेशानी में हो आपके अंदर इत्मीनान की बहुत जरूरत हो, और ये फल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आप अगर इन फलों को फिर दूसरों तक पहुंचाएंगे उनमें बांटेंगे भी, जब आप इत्मीनान में होंगे तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी इत्मीनान में होंगे, जब आप परहेजगारी अपनाएंगे तो जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, आपके बच्चे, आपके बीवी, आपका शौहर, आपके मिलने जुलने वाले, जब आप खुद ही किसी गलत काम में होंगे तो आपकी गहरी भी कैसी होगी, जब परहेजगारी का फल आपकी जिंदगी में होगा तो आपके इर्द गिर्द भी वो लोग होंगे जो परहेजगार होंगे। तो अब आप अगर इस बात को रिकनेक्ट करें कि इसको इसलिए हटा दे क्योंकि ये जमीन को रोके हुए है, लेकिन जब फल होगा तो वो जमीन को रोके हुए नहीं होगा बल्कि वो जमीन के लिए भी बाबरकत होगा। मैंने बहुत सारी बातें आपसे की, कुछ मुश्किल, कुछ आसान, कुछ जिस तरीके से मुझे समझ आया मैंने आपको समझाने की कोशिश की। मेरा ईमान है कि खुदा का कलाम आप तक पहुंच गया। एक हम अभी जब दुआ करें इस कलाम के बाद तो एक दो डेट्स अपने जहन में रखें, जनवरी 2023 और दिसंबर 2023। आप अपनी रूह में इन दो डेट्स को रखें और बजाय ये कि कोई और कादम या कोई ही और तरीके से, आप खुद अपना एनालिसिस कर कीजिएगा जब ये साल खत्म होगा कि ये मैंने साल शुरू कैसे किया था, क्या क्या चीजें थी जो मेरी जिंदगी में खुदा के अगेंस्ट थी, अब मैं कहां हूं, ताकि जब आप क्रिसमस और न्यू ईयर की इबादतों में फिर शामिल हो तो इस साल आप उन फलों, क्योंकि अगर आप माना इतना पड़े तो यही था ना कि अपने जो फल और जो हैकल में लोग लेकर आते थे, जो नजराने लेकर आते थे, तो आप अपनी जिंदगी को नजराने के तौर पर अगला साल शुरू होने से पहले खुदा के सामने पेश कर सकते। नख्ता से ही दरखास्त करूंगा कि जिस तरह से खुदा ने मुझे ये कलाम सिखाया, हम एक जमात के तौर पर हमने से सीखा, खुदा हमें इस कलाम के सुनने के बाद ये तौफीक दे कि महीने गुजरने के साथ साथ ये कलाम हमारे दिल से चोरी ना हो जाए, या ये उस पथरीली जमीन की तरह ना पड़ा हो जहां पे ये कोई फल ना लाए, बल्कि ये हमारे दिलों में व्यवस्थित हो। ये वक्त, ये मौका, ये घड़ी, हमने यही बात शुरू की थी कि वक्त और मियादों का होना हमारे लिए बरकत का बायस है, ये घड़ी हमारे लिए बरकत का बायस हो और पूरा साल हम जब गवाही की कॉल आए हम भाग भाग कर स्टेज पर आए कि ये साल, इस साल मुझे ये बरकत मिली, इस दिन मुझे ये बरकत मिली, इस दिन मुझे मैंने खुदा के फजल को इस तरह से देखा, इस महीने खुदा ने मेरा ये मसला हल किया, इस महीने खुदा ने मुझे ये फरामानी बख्शी। ऐसा चाहते हम जरूर हैं, इसको करना कैसे है वो मैंने जिस तरह से खुदा ने मुझे सिखाया मैंने आपको सिखा दिया। बस आपसे यही दरखास्त है कि इस कलाम को अपने दिल से शैतान को छुड़ाने मत दीजिएगा, और दिसंबर 2023 हम इस पूरी जमात के लिए जो इस वक्त तादाद में कम है, मैंने आप दुआ में जब किया था तब खुदा का शुक्र किया था कि जब तादाद कम होती है तो ये वो लोग होते हैं जिनको उसने खास तौर पर, खुदा की नजर हर एक पे वैसे ही होती है लेकिन उसकी ये ख्याल होता है कि ये मुश्किल हालात में आए हैं,
तो बरकत पाना आसान होता है। मैं खुदा से ये दरख्वास्त करूंगा कि आप खुदा से बेशबहा बरकतें इस साल में पाएं। सबसे बड़ी बरकत ये पाएं कि आप उसमें कायम रहें, उसमें आपका ईमान बढ़े, आप फलदार हो और अपने लिए और अपने इर्द गिर्द सब लोगों के लिए बरसे बरकत हो। खुदा सबको बरकत दे। आमीन आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा के खादिम मिस्टर वेद के लिए। उन्होंने अंजीर के दरख्त के हवाले से, फल के हवाले से बहुत अहम और कीमती बातें मुख्तलिफ एंगल से हमारे सामने बयान की और बड़ी आसान लफ्जों में बयान किया। हम खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ, उसकी तंजीद करते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप के मशाहदे में भी तजर्बे में भी ये बात गुजरी होगी, जब दरख्त को फल लगता है तो कोई दरख्त को कोई जाती फायदा होता है, किसको फायदा होता है? दूसरों को फायदा होता है। तो दरख्त जो है वो जिंदा ही दूसरों के लिए है। हालेलुया। हम क्यों जिंदा है? जोर से बोले, किसके लिए आप जिंदा है? किसके लिए जिंदा है? कैन वी क्लैप कि हम खुदा के खिलाफ से तालियां बजा दें? हालेलुया। के साथ क्या हम बोले कि हालेलुया। अगर खुदा ने हमें रखा पाकिस्तान में तो उसका एक ही मकसद है कि हम फल लाएं। अगर आप पहला करिंथियों 14 बाब उसकी 12 लिखे देखे पढ़े तो लिखा है कि रूह की नेम के जो है जब खुदा देता है तो उससे कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए ना। बहुत सारे लोग अपना शो ऑफ करते हैं कि मुझे ये नेमत मिल गई, मुझे फला नेमत मिल गई, ऐसा हो गया। हम अपने आप को प्रोजेक्ट ना करें बल्कि उसको प्रोजेक्ट करें जो नेमत देने वाला है। क्या मैंने सही कहा? तो जब रूह की नेम के खुदा देता है तो कलाम कहता है, मैंने हवाला बता दिया पहला करिंथियों 14 बाब उसकी 12 कि जब इस बात की आरजू रखो कि जब तुम्हें रूह की नेम पे मिले तो कलीसिया की तरक्की होनी चाहिए। तो खुदावंद खुदा हमें चाहता है साल कि हम फल लाएं और ये फल जो है दूसरों के लिए फायदेमंद हो और लोगों को बरकत मिले। हम खड़े हो जाएं और दुआ करें।